सीएम जम्मू कश्मीर के कविंद जुड़ रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी अभी इस घटना को लेकर? सर ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से जब से केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन का एक कोशिश है कि यहां पर कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाया जाए, तो पिछले दो तीन दिन से लगातार जो हत्याएं की जा रही हैं वो सिलेक्टेड हत्याएं हैं। उसमें कश्मीरी पंडित समाज से श्रीमान बिंद्रू जी की हत्या किया जाना ये अपने आप में बहुत दुखदायक है। उसके बाद एक जो ठेले वाला था उसकी हत्या किया जाना, आज जो सुपिंदर कौर और दीपक की जो हत्या की गई आज ईदगाह स्कूल के पास, ये एक सिलेक्टिव किलिंग्स हैं। और अभी भी कुछ लोग जिनकी गलत बयानबाजी के कारण से जो जिम्मेदार पदों पर रहे हैं उन लोगों को बल मिलता है कि जो यहाँ पर मिलिटेंसी फैलाना चाहते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों द्वारा प्रशासन द्वारा बहुत इस पर चेक लगाया गया है और लगातार इसमें ये जो सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, 650-700 के मिलिटेंट्स लगभग पिछले एक डेढ़ वर्ष में मारे गए हैं, तो इनकी ये जो कोशिश है कि यहाँ पर जो उनके बसाने के लिए प्रयास किया जा रहा है जो माइग्रेंट हुए थे तो उसको कहीं रोक लगे, लेकिन इनकी इस प्रकार की कोशिशों से ये बूम कहीं रुकेगा मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाओं का होना बिल्कुल चिंताजनक है। आज ही मुझे कश्मीर से बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर हमारे जम्मू के लोग या बेसिकली हिंदू कम्युनिटी से लोग वहां पर काम करते हैं, उनमें एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपके माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार के वो एम्प्लॉयज हैं उनको भी सुरक्षा व्यवस्था उनकी कहीं ना कहीं मजबूत की जानी है। और आज अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पर मीटिंग बुलाई है, मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जाएंगे जिससे कि इन लोगों को मार गिराया जाएगा और इस मूव को कहीं आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है तो कुछ कुल मिलाकर के इसको जल्द ही इस पर रोक लगेगी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग जिन लोगों ने हत्या की है उन पर जल्द ही कोई चेक लगाया जाएगा। लेकिन कविंद्र जी, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि 48 घंटे में 5 लोगों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है, ऐसे में ऐसा क्या किया जाए? क्योंकि ऐसे ही हालात रहे तो वहां के माइनॉरिटीज डर के साए में जीने को मजबूर हो जाएंगे। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और अभी गृह मंत्री जी ने जो मीटिंग बुलाई है इससे नए जो कदम उठाए जाने हैं वो अभी इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी और सरकार भी इसके बारे में चिंतित है और स्थानीय लोग जो जम्मू से या वहां पर एक दहशत का माहौल में काम कर रहे हैं उनमें चिंता होना स्वाभाविक बात है। देखिए, जल्द ही इस पर कोई ना कोई कदम उठाने वाले हैं और मुझे लगता है कि ऐसे स्थान जिस पर कि ये हमारे माइनॉरिटीज के लोग काम कर रहे हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किए जाने की जरूरत है। कविंद जी, दुखद ये है कि एक खास समुदाय को टारगेट करके आतंकवादी हमले कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि दो समुदायों के बीच मनमुटाव और उनके बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश है और लगातार जो पंडित हैं वहां के कश्मीरी पंडित हैं उन पर भी निशाना लगातार लगाया जा रहा है। जैसे कि दीपिका कह रही थी 48 घंटे में 5 हत्याएं हुई हैं, 8 दो टीचर्स को मुस्लिम टीचर्स से अलग किया गया, स्कूल में घुसकर दिन दहाड़े गोली मारी गई है। ईशान मानी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अमूमन इस तरह की घटनाएं शाम को होती हैं, अब आतंकवादी और मुखर हो गए, बेखौफ हो गए, दिन के उजाले में आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। देखिए, ये जो तालिबानी डिजाइन इन्होंने अपनाया है तो इसको तो सहन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से या कुछ ऐसे लोग गैर जिम्मेदाराना जो बयान है ये जो हमारे राजनेता जो सत्ता में भी रहे हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं, उनसे मुझे लगता है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं बल मिलता है। उन पर भी चेक लगाने की जरूरत है कि इस प्रकार की अपनी जुबान को बंद रखें ताकि जो लोग ओवरग्राउंड या इन्फॉर्मर्स बन करके वहां पर काम कर रहे हैं उन पर चेक लगे। कविंद जी, 90 के दशक में गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया गया था, क्या फिर से वही कोशिश दोबारा यहाँ हो रही है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि कुछ लोग वहां पर यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं, अशांति पैदा करना चाहते हैं। जो एक माहौल वहां का सुधरा है, पत्थरबाजी हो, पाकिस्तान के झंडे हो, रोजमर्रा के बंद हो, हुर्रियत पर रोक हो, आज उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। और जो लोग पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से पैसा लेकर के उनके बिहाफ पर काम करते हैं, ये कभी कभी इस प्रकार की जो छुटपुट घटनाएं होती हैं तो नेचुरली उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। एक जो मूव है उस
पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, लेकिन सरकार सक्षम है, सुरक्षा बल सक्षम है और जल्द ही इस पर कोई बिल्कुल कविंद्र गुप्ता जी सही बात कही आपने, यहाँ पर ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि सरकार सक्षम है आतंकवादियों से निपटने के लिए और हर मुमकिन कोशिश और कदम उठाए जा रहे हैं।